हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 8th क्लास का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म का सैम्पल पेपर जो है मैथ्स का, वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ स्टडी करोगे, ये एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करोगे अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में किस तरह के सम्स आए हुए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी बताएंगे सेकंड टर्म का, और लास्ट में किस तरह से आपको फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें सम्स आ सकते हैं वो बताएंगे, ये सैम्पल पेपर के साथ, ठीक है। स्टूडेंट, सेकंड टर्म का देखो क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले MCQ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्क भी करोगे, टिक भी, और यहाँ पे फिल भी करोगे, ठीक है, इस तरह से। जैसे ये देखो बच्चे ने किया हुआ है, ठीक है, पेपर ए ऑप्शन साथ में लिख दिया है और साथ में उसका आंसर, ठीक है। सेकंड में रेसिप्रोकल पूछा है उसने 1/x का, तो x होगा, ठीक है। वैल्यू x की सॉल्व द इक्वेशन किया, तो आके आपके पास 9। तो इस तरह से इसके साथ MCQ और साथ में ही इसके सॉल्यूशन आंसर्स हैं, ठीक है। इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करो आप। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है फिल अप। नाउ फर्स्ट फिल अप यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस इज, कहता है अगर इसका स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। स्टूडेंट, लास्ट में इसके 4 है ना, तो 34 को जब 34 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 6 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट क्या आएगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, तो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, यही आंसर आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर्टेन इवेंट की? 1, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट आ जाए तो 0, क्लियर। नाउ 3xy + 2xy, तो दोनों को ऐड करना है, लाइक टर्म्स हैं xy वाली, 3 और 2 कितने हो गए? 5xy, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है, बीच में माइनस का साइन है, लाइक टर्म्स ही हैं, ab 7ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितने ab बच गए? 5ab, क्लियर। नेक्स्ट, लॉस जो है वो कैसे होता है स्टूडेंट, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, है ना। हमने 20 की मान लो चीज़ खरीदी है कोई, ठीक है, तो बेच उसे कितने में रहे हैं? 10 में, तो क्या होगा? लॉस ही होगा ना हमें, तो किस में से? CP में से अगर हम SP सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगा लॉस। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, क्लियर। नेक्स्ट, a + b का होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? a² + 2ab + b², ठीक है। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो इसके नेगेटिव के, यानी कि उसके साथ अगर माइनस का साइन भी लगा दो तब भी वही रहे, कोई फर्क ना पड़े उसे, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 0, है ना। नाउ वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3, अब 2 की पावर -3, अब इसका रेसिप्रोकल पहले करेंगे, है ना, क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाना है हमने, तो 2 का रेसिप्रोकल 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/2 की पावर 3। अब इसको वैल्यू उसने पूछी है तो सॉल्व करेंगे इसको, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम 3 से नहीं, ठीक है, ये याद रखना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1/8 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, a की पावर m × a की पावर n, तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, क्लियर। कितना इजी था ना। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे 2-2 मार्क्स के सम, ठीक है। क्वेश्चन देखो पहले आप,
सॉल्यूशन मैं दिखाती हूँ आपको, फिर अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हो पहले तो सॉल्व करो, देन आंसर देखना कि आपके जो मैच करके ठीक आंसर आए हैं, ठीक है। अगर तो आपके ठीक आंसर आ रहे हैं इट मीन्स आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गए हो। तो नाओ पार्ट सी में ये 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है, क्लियर। नाओ ये रहे इनके सोल्यूशन, ठीक है, पार्ट ए के सॉल्व द इक्वेशन है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल रेसिप्रोकल उल्टाना है सिर्फ इसको। और एडिटिव इनवर्स में अगर प्लस का साइन है यानी कि कोई साइन नहीं है तो साइन लगा दो माइनस का, अगर माइनस का साइन हो तो उसको हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वेयर 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो, 30+2 लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट 14 का क्यूब, क्यूब मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो है, इधर मीटर है इधर किलोमीटर है, लेकिन हमें तो दोनों यूनिट सेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आ गया। नाउ 5/10,000, ठीक है, कटिंग करके 1:2000 आ गया आंसर। नेक्स्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 3/4 × 100, ठीक है, तो 4 के टेबल में 100 कट गया 25 पे, 25 × 3 = 75%, क्लियर। नेक्स्ट सिंपल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार बच्चे मल्टीप्लाई भी गलती कर जाते हैं करने में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है। 2 × 4 = 8, 8×8 = 64, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 64, और साथ में PQR, क्लियर। नेक्स्ट इवेल्यूएट, यहाँ पे पावर माइनस की है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल किया 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई और माइनस 4 को 2 टाइम, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 × 1 = 1, 4 × 4 = 16, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो अब ऐड नहीं करना कहते, ऐड के बिना बताओ इसका सम कितना होगा। तो सिंपल है स्टूडेंट, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है ना यहाँ पे, तो 5 को 5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 25 आएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट था सॉल्व द इक्वेशन वाला सम, ठीक है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन वाला सम जंप है, यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं सभी, तो पहले रफ बना लोगे यहाँ पे, ठीक है। अब रफ बना के उसको देख देख के, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये की लाइन लगी 3.5, तो इधर लाइन लगा ली स्केल से, देन यहाँ से पी तक कितना आर्क लगाना है 4.5 का, और यू से 6.5, ये क्रॉस बन गया एक, ठीक है। तो अब इनको ऐसे मिला दोगे स्केल से, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कट, ठीक है, तो ये बन जाएगा जंप, ठीक है, क्लियर। अब इसको कंस्ट्रक्शन लिखना भी है कि आपने सबसे पहले क्या किया है, पॉइंट्स में लिखना है इसको, ठीक है। जो जो आप लिखो करोगे साथ साथ लिखते जाना, नंबर 1 पे ड्रॉ लाइन JU 3.5 सेंटीमीटर, देन सेकेंड पॉइंट पे टेक ए कट 4.5 एट पॉइंट पी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला है a² - b² का, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये पहले ही स्क्वेयर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस, देन जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ पे प्लॉट करने हमने, तो ऐसे ये हमने अलग से भी वीडियो एक बनी हुई है ग्राफ की, ठीक है, प्लॉट करने की पॉइंट, तो आप वहाँ से सीख सकते हो पॉइंट प्लॉट करने। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनका पहले रेसिप्रोकल कर लोगे, सभी पावर्स ऐड प्लस की हो जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया सभी को, 4, 9 और 16 ऐड करके 29 आ गया आंसर। नेक्स्ट सम में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे इन सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी और सभी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट 13 चैप्टर का सम है ये, ठीक है,
पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो लेट पार्ट्स ऑफ बेस इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर, क्लियर। नेक्स्ट मशीन बॉटल वाला सम, ठीक है, तो वो भी 13 चैप्टर में से ही है, डायरेक्ट वेरिएशन है यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ बॉटल हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो मान लेंगे यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, एक्स लिख लिया वहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन है, तो यहाँ टू के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पहले वन लगा दो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, वन को इधर मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, थ्री एक्स को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स एक्स, नाउ एक्स वाले एक तरफ ले जाओ और बिना एक्स के दूसरी तरफ, ठीक है, तो कितना आ गया 3/2। नाउ ये जो सम है स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है आपको, तो इसको केयरफुली करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये केयरफुली सम करना है, ठीक है, शॉपर्स देन टैली मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले W काउंट किए हैं, तो W वुमेन लिखोगे, ठीक है, देन मैन, क्लियर, ऐसे फ्रीक्वेंसी सामने, ठीक है, जितना काउंट किया, देन लास्ट में ये टोटल करके देख लो कि आपके उतने ही बने हैं जितने गिवन हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दोगे, ये पूरा एक्स वाई जो है ए लेके चलेंगे और 3z जो है वो बी, ठीक है। ये थे स्टूडेंट हमारे सेकंड टर्म एग्ज़ाम के साथ साथ आंसर, ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर देखो, सबसे पहले MCQ, जीरो हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, तो ये फर्स्ट चैप्टर का ब्लैंक है, पता है आपको 1.1 एक्सरसाइज में, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, तो ये सी वाली ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल मीन उल्टाना है -5 को, उल्टा कर देना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, -1/5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो एक्सटीरियर एंगल की सम जो है वो कितनी होती है 360, क्लियर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 0। नाउ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज, अब स्क्वायर जो है ऑड नंबर का, आप देखो 3 जैसे ऑड है, तो 3 को स्क्वायर करेंगे, मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो वो भी क्या हुआ, ऑड ही हुआ ना, ऑड ऑप्शन आएगी, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 34 इज, कहता अगर 34 का स्क्वायर करें, मीन्स 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो कौन सा होगा, तो स्टूडेंट जब आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 4 4 16, 6 आएगा, है ना, तो ये वाला ही लास्ट डिजिट होता है जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, तो ये कौन सा आया 6, तो ये ए ऑप्शन होगी आंसर। नेक्स्ट 196 इज़ अ स्क्वायर ऑफ, 196 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो है 14 का, क्योंकि 11 का 121, 12 का 144 और 14 का 196। क्यूब ऑफ 6, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 216, ठीक है, बी ऑप्शन। 6 6 36 36 6 216। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, अब ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका कितना सम होता है 180, ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल कहता तो उसका 360 आना था, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन दिस वैल्यू ऑफ दिस, अब इसको सॉल्व द इक्वेशन है ना, सॉल्व करना है, तो एक्स इस यहीं रहेगा, ठीक है, 12 जो 6 है दूसरी तरफ जाके 12 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कटिंग होके 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो 2 आंसर आ गया इसका साथ साथ, ऑप्शन फिल भी करते जाओ, ठीक है, और टिक भी करते जाओ, ए वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिल इन ब्लैंक्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो इसका क्या रेसिप्रोकल है, यहाँ पे एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स का 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल एक्स,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, अब जो ये ब्लैंक है इसी में इसका आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर, यही आंसर आएगा यहाँ पे, रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसी का आंसर भी इसी में है, ये पॉजिटिव रेसिप्रोकल, अगर रैशनल नंबर का पॉजिटिव जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, कितने इजी है ना। नाउ 2ab में 3ab, अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है दोनों के, ab हैं तो यहाँ पे 2 है यहाँ 3, तो दोनों को ऐड किया, 2 और 3 कितने हो गए, 5ab टोटल आपके पास। ठीक है, नाउ यहाँ भी सेम वेरिएबल हैं लेकिन साइन माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, और वेरिएबल क्या है xy, तो वो साथ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ द हाफ ऑफ नंबर एक्स इज, अब हाफ ऑफ नंबर एक्स मीन्स एक्स का क्या कर दो, हाफ, यानी कि एक्स बाय टू। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज, ये याद रखना है आपने, 1, और इम्पॉसिबल इवेंट होता तो 0 आना था। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की सम जो है वो कितनी होती है, 360। ठीक है, नाउ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो स्टूडेंट 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, नाउ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट, कौन से एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के डायगोनल, 90 के एंगल पे, या क्या लिख सकते हो, राइट एंगल। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट जो है इसके सम्स हैं स्टूडेंट, तो आपने देख रहे हो ये सिंपल सम है, स्क्वायर करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 रैशनल नंबर, अब स्मॉलर लिखने हैं तो कोई भी माइनस वाले नंबर लिख दोगे 2 से स्मॉलर ही होंगे प्लस के, है ना। यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन है, y इस तरफ रहेगा और 3 जो है माइनस हो जाएगा 10 से जाके, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करना है, अगर माइनस है तो माइनस हटा दोगे, 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस उल्टाना है इसको, ठीक है, लेकिन साइन वही रहेगा, 19/13, -19/30। क्लियर, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी मेजर करनी है हमने, पॉलीगॉन की साइड दी हुई है 9, तो जब भी साइड दी हो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो 360 से हम डिवाइड कर देते हैं जो भी जितनी भी साइड है। ठीक है, तो ये कटिंग करके 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स और कोफिशेंट जो हैं वो एक्सप्रेस करने हैं यहाँ पे, तो टर्म्स क्या, दोनों को यहाँ कॉमा डाल दोगे ये टर्म हो गई। ठीक है, तो कोफिशेंट ये 5 और ये -3। क्लियर, इसी तरह से स्टूडेंट ये 10 चैप्टर का है। ठीक है, ये विदाउट एडिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 5 × 5, 25 आंसर। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में से है। ठीक है, ये 5.3 से, ये फर्स्ट चैप्टर में से, ये सेकंड में से, 6 चैप्टर में से, ये 10th। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला लगाना है आपने यहाँ पे, ये 9 चैप्टर में से है, ऐड करना है इनको, ये अगेन थर्ड चैप्टर में से। ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 7 चैप्टर में से, नेक्स्ट 2.6 एक्सरसाइज, और ये 6 चैप्टर में डिवीजन मेथड। क्लियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करो और इनको प्रैक्टिस करो साम्स को। नाउ स्टूडेंट, जो फाइनल आपका एग्ज़ाम आएगा वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में आपको पेपर आएगा। ठीक है, फर्स्ट पंजाबी, देन हिंदी, ठीक है, देन इंग्लिश।
तो ये लास्ट ईयर का है, इसलिए इसमें पैटर्न अभी चेंज है इस टाइम, ठीक है। तो आपको सम से मतलब है कि सम किस तरह के आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो आप वो वाले सम देखो और उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन, ये अभी अभी हमने सेकंड टर्म में किया ना, ये वाला सम देखो वही आया हुआ है, ये वाला देखो, है ना। 2.6 एक्सरसाइज का पहला सम ही है। नेक्स्ट जो सम है वो 5.3 का थर्ड का सी पार्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने रेड एप्पल्स की, तो रेड कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 4/7 आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओगे, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, क्लियर। नेक्स्ट 11.2 का फिफ्थ सम है, यहाँ पे रोम्बस के डायगनल दिए हुए हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 d1 × d2, d1 × d2 मतलब फर्स्ट डायगनल सेकंड डायगनल, क्लियर। नेक्स्ट मशीन सॉफ्ट ड्रिंक वाला, अभी ये भी किया ना हमने सेकंड टर्म में, देखो था ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट है 2.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ सम, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 2.2 का सेवन सम है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट 4.4 का फर्स्ट और 4.1 का सेकंड, ये भी अभी हमने किया है ना सेकंड टर्म एग्ज़ाम में, ये देखो यही आया हुआ है ना बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, देखो है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। नेक्स्ट 10.3 का सेवन नंबर सम है ये, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इसका, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है 13.2 का एट सम, ये इनडायरेक्ट मेथड है यहाँ पे, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट 15.1 एक्सरसाइज में ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख के हमने ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं, ये नहीं ड्रा करना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 15.3, यहाँ पे उसने ग्राफ कहा है ड्रा करने को, तो ये आप ग्राफ ड्रा करोगे। ये इसका 15.3 का फर्स्ट का बी पार्ट है। तो स्टूडेंट, हमने अपने चैनल पे सभी वीडियोस जो हैं आपके सिलेबस की अपलोड कर रखी हैं, तो आप ये वाले सम जो हैं वहाँ से देख सकते हो इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट 11.3 का फर्स्ट सम है ये। नेक्स्ट 11.4 का सिक्स नंबर सम है, ठीक है। उसके बाद 5.1 का सेकंड सम, ये WGM वाला अभी हमने किया ना, देखो यहाँ पे आया हुआ सेकंड टर्म में, है ना, सॉल्यूशन बताया मैंने अभी आपको। नेक्स्ट 5.1 का फिफ्थ सम है, तो ये आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख के आपने आंसर जो है वो देने हैं, ठीक है। ये ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ इनके आंसर जो हैं यहाँ से देख के देने हैं। स्टूडेंट, ये एक और सैम्पल पेपर है हमारे पास, अगर आप इन सब क्वेश्चंस को भी अच्छे से करोगे तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। ये मोस्टली आप देख रहे हो कि जो सम्स हैं वो मैच करते हैं सभी पेपर्स के, है ना। कोई भी अगर डिफरेंट है तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको एक कॉपी पे नोट डाउन करो और फिर उनको प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। बेस्ट ऑफ लक।